ऑल राइट, तो आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपने स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो वो स्टड जो हर वक्त सुपर स्टाइलिश दिखे, आप पाना चाहते हो दुनिया भर का टेंशन जो शायद किसी और को ना मिले। मगर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, इससे पहले कि ये सब कुछ सच हो, आप कर बैठते हो कुछ स्टूपिड स्टाइल मिस्टेक्स अबाउट योर ग्रूमिंग एंड फैशन जो बिगाड़ रही है आपका स्टाइलिश गेम। वेल, अगर ये बात है जेंटलमैन, अगर ये शंका है जेंटलमैन, अगर ये समस्या है जेंटलमैन, तो चलो आज इसको भी बजा लेते हैं। 5 या 6 ऐसी ग्रूमिंग एंड स्टाइल मिस्टेक्स जो आप अभी सुधार सकते हैं अपना बेस्ट वर्जन, अपना मोस्ट अट्रैक्टिव वर्जन दिखने के लिए। सो, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, आप देख रहे हैं मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। ओके, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं और आपको बताऊं 5-6 ऐसे मिस्टेक्स और उनके क्विक फिक्सेस, आपको मेरा 2 छोटा काम करना पड़ेगा। 1, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करो और दोनों के नोटिफिकेशन बेल दबाकर सारे वीडियोस देखो। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आप दोनों चैनल के बेहतरीन वीडियोस मिस करें और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएं और कोई भी वीडियोस ना देखें। क्लिक करो नोटिफिकेशन बेल, जाके सारे वीडियोस अभी देखो, प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस, और थोड़ा कुछ और सीखो, थोड़ा कुछ और नया जानो। दूसरी बात, मेरा इंस्टाग्राम पेज, दिन के 3 डेली पोस्ट, फोटोज, वीडियोस, लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन, आउटफिट इंस्पिरेशन, फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस इंस्पिरेशन, सब कुछ हो रहा है सिर्फ आपके लिए। 3 नए पोस्ट हर दिन आपके लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो भी मिस करें। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करो, इंस्टाग्राम पेज खोलो, अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है, तो लाइक और फॉलो भी ज़रूर दबाओ। बस ये हो गया क्लियर, ये हो गया सॉर्टेड। चलो शुरू करते हैं हमारा मेन वीडियो। तो पहली गलती जो आपको समझनी पड़ेगी, पहली गलती जो आपको मानना पड़ेगा, वो है आपका फुद्दू घमंड। क्योंकि जेंटलमैन, ये घमंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी सारे स्टाइल मिस्टेक्स करने से मजबूर करती है और कुछ भी नया सीखने से रोकती है। तो अगर आपने अपने घमंड को काबू में कर लिया और कुछ नया सीखने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तो आप कोई स्टाइल मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे और आप अपना बेस्ट वर्जन उतनी आसानी से दिखाओगे, और इन शॉर्ट आप एक बेवकूफ नहीं दिखोगे। जो मुझे ले आता है द एक्चुअल स्टाइल मिस्टेक नंबर 2, गलत फिट पहनना। जेंटलमैन, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने कपड़े कहाँ से खरीदे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके कपड़े कितने महंगे या कितने सस्ते हैं, फर्क बस एक चीज का पड़ता है, वो आपके कपड़े के रंग का और उसके ढंग का, द फिट एंड द ओवरऑल फैब्रिक ऑफ द क्लोथ्स दैट यू वेयर। क्योंकि अगर एक 200 रुपए की भी शर्ट आपको सही फिट होती है, तो उसके ब्रांड के होने का ना होने का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिट एक बहुत कमाल चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाइयों, इस पे ध्यान दो, इसका ख्याल रखो, और हाँ, इसको सही ढंग से यूज करो। जो मुझे ले आता है स्टूपिड ग्रूमिंग एंड स्टूपिड स्टाइल मिस्टेक नंबर 3 पर, गलत रंग पहनना। लाल, गुलाबी, अतरंगी, सतरंगी, आरंद कलर्स दैट यू शुड वेयर। क्योंकि देखो, ऐसे अजीब भड़कीले रंग के पहनने का बस 2 सीजन, बस 2 मौका होता है, 1 किसी की शादी, दूसरा कोई त्यौहार। अब अगर कोई शादी नहीं कर रहा, अब अगर कहीं पे कोई पूजा नहीं हो रहा, तो ऐसे भड़कीले चमकीले रंग पहनना बंद करो। सिंपल न्यूट्रल कलर्स पे ध्यान दो, कलर्स जैसे नेवी ब्लू, बेज, ब्लैक, वाइट, ग्रे, लाइट पिंक, दीज कलर्स, ये सारे रंग का कलर पैलेट बहुत न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये कलर कोई भी रंग का बंदा, कैसा भी बंदा, कहीं का भी बंदा, कहीं का भी लड़का पहन सकता है, बिना कोई सोच, बिना कोई परेशानी के। फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हो या गोरे, फर्क नहीं पड़ता कि आप जम्मू के हो या कोयम्बतूर के, आपके चमड़े का रंग का आपके हैंडसम से कुछ लेना देना नहीं है। आप एक हैंडसम लड़के हो, आप एक हैंडसम बंदे हो, ये बात मान के चलो। ये मत सोचो कि मैं काला हूँ तो मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं गोरा हूँ तो मैं हैंडसम नहीं हूँ। ये काला गोरा बहुत घटिया चीज़ है, इसको दिमाग से निकाल फेंको और सही कलर्स यूज करो टू मेक यू लुक the most attractive, the most best dressed and the most sexy man in the room all the time. क्योंकि जैसा कि मैंने बोला जेंटलमैन, आपके चमड़े के रंग का आपके हैंडसम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने सही ग्रूमिंग की है, अगर आपने सही स्टाइल पिक किया है, अगर आपने अपने आप में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है, और अगर आपने अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव किया है, तो फ़र्क नहीं पड़ता फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम कैट कितने भी लोग बना रहे, आप एक हैंडसम लड़के रहोगे, आप एक हैंडसम बंदे हमेशा दिखोगे। जो मुझे ले आता है स्टाइल और ग्रूमिंग मिस्टेक नंबर 4 पर, आपका ग्रूमिंग सेंस। क्या आपने सही ढंग से बाल कटवाए हैं? क्या आपने सही ढंग से मुंह धोया है? क्या आप मुंह धोते भी हो? क्या आप अच्छे से ब्रश करते हो? क्या आपके मुंह में दाढ़ी है? क्या आपके दाढ़ी अच्छे हैं? क्या आप आईब्रोज ट्रिम करते हो? क्या आप अपने नाक के बाल काटते हो? क्या आप अपने नाखून
ट्रिम और क्लीन रखते हो या फिर वही 14 साल वाली मूंछ और गाल पे चार बाल लेके घूमते हो। जेंटलमैन, इस चीज पे ध्यान और इस चीज का समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके चेहरे पे मोटे घने दाढ़ी नहीं उगते तो प्लीज अपना सो कॉल दाढ़ी शेव करो। अगर आपके बाल नेचुरली स्टाइल नहीं होते तो प्लीज 2-3 हेयर प्रोडक्ट खरीद के उसको यूज करना सीख लो। बेसिक चीज है, ऑब्वियस चीज है, फिर भी सब क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपनी लाइफ, क्यों वेस्ट कर रहे हो इस पे इतना टाइम। एनीवे, आखिरी मिस्टेक, द लास्ट मिस्टेक, द लास्ट फैशन मिस्टेक नंबर 5, लफंगों की तरह स्टूपिड फैशन ट्रेंड के पीछे भागना बंद करो। और हाँ, क्लासिक, टाइमलेस और मच्योर स्टाइल पे थोड़ा और रिसर्च करो। कभी फौजी ऑफिसर्स या सिविल सर्विस ऑफिसर्स को देखा है? कभी उनके बाल लाल गुलाबी देखे हैं? कभी उनको मोटा या अनफिट देखा है? कभी उनको फूल पत्ती वाली शर्ट और फटी हुई जीन्स पहने नाचते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये उनकी क्लास है, ये उनका स्टैंडर्ड है, ये उनका एक स्टाइल है। एक स्टाइल, एक स्टैंडर्ड जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक स्टाइल, एक स्टैंडर्ड जो मैं अपने सारे वीडियोस में और अपने सारे चैनल्स पे बिंदास बिना कोई संकोच के हमेशा शेयर करता हूँ। तो मेरा वो स्टाइल है, मेरा वो पर्सपेक्टिव है ऑन हाउ टू लुक योर मोस्ट अट्रैक्टिव सेल्फ विदाउट रनिंग अराउंड फैशन ट्रेंड्स एंड स्टूपिड ट्रेंडिंग शिट। जस्ट कॉज आपने अपने एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फेवरेट एक्टर को एक अतरंगी सूट या एक अतरंगी हेयर स्टाइल में देख लिया, मतलब ये नहीं कि आप हूबहू उसी का कॉपी करके अपने आप को भी वैसे ही बना लो। याद रखना, ये उनका काम है, ये उनका रोल है, ये उनकी मूवी का कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये उनका हर दिन का रोजी रोटी है। मैं और आप आम आदमी हैं, हमारा लाइफ स्टाइल काफी सिंपल है। हाँ, हमें स्टाइलिश और फैशनेबल जरूर दिखना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सर पे गुलाब डाल के नाचते फिर। हाँ, हमें फैशनेबल जरूर दिखना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम राधे राधे बनकर रास्तों में घूमते रहे। भाइयों, हमें ऐसा दिखना है कि लोग हमसे इंस्पायर हो, लोग हमसे मोटिवेट हो और हमसे आके सलाह मशवरा ले। ऐसा नहीं कि दूर से कोई क्या बोल के हमें गाली दे। बाकी आपके ऊपर है, चॉइस आपके हाथ में, जो पसंद आए पहनो, जो पसंद आए उसको स्टाइल करो। ये वीडियो ये खत्म हो गया, मेरा टाइम अब हो गया, मैं जाता हूँ, दूसरे और वीडियोज बनाता हूँ। आप अपना ख्याल रखना मत भूलना और हाँ, स्टाइलिश दिखना मत भूलना। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले में। Dress up, stay strong, stay stylish.